कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मतीन शरीफ ने शहर हैदराबाद के इलाके चंपापेट में तेलंगाना में जारी लॉकडाउन से परेशान व मुतासरा मुस्तहक 350 अफराद में खाना तकसीम किया। इसके अलावा मतीन शरीफ ने उनकी टीम के हमरा हैदराबाद के चंद इलाकों में मौजूद अवाम में राशन की तकसीम भी अमल में लाई। गरम गरम बिरयानी ये लॉकडाउन के बाद से हमारे प्रोग्राम का अल्हम्दुलिल्लाह आज 10वां दिन है। अभी हम लोग इस जगह चौपड़पट्टी में खाने का इंतजाम करके आए और अभी हमारे ये जो हम लोग फेसबुक पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली से एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नूरुल्लाह साहब हमारे वीडियोस देख के मेरे को कांटेक्ट करके बोले कि वो इनकी जान पहचान के कुछ लोग हैं, इसमें कोई एक जान पहचान के है वो बताए कि इन लोग काफ़ी परेशान हैं, आप थोड़ा इनके हेल्प, आप शहर हैदराबाद में काफ़ी लोगों को इंतजाम कर रहे हैं, आप ज़रा इन लोग के भी इंतजाम कीजिए। ये भी बिहार से यूपी से ताल्लुक़ रखते काफ़ी परेशान हैं, बल्कि बताए इन लोग नूरुल्लाह साहब को कांटेक्ट करे थे तो उसके बाद से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इनको राशन पहुंचाना शुरू करें इन लोग को। यहाँ पे आप लोग कितने लोग हैं? 25 पूरे 25 लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी इन लोग को लेके आके दे रहे हैं राशन पानी, जबकि हालात इतने ख़राब है हैदराबाद में कि कल कई न्यूज़ों में सुनने में आया कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ इंतकाल भी हो गया कुछ लोगों का। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए हम लोग सेफ्टी करते हुए हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ताकि हमारा मेन मकसद सिर्फ मुस्तहक लोगों तक, परेशान लोगों तक इमदाद पहुंचाना है। आप उनसे पूछ सकते हो। तो मतीन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इस मुसीबत में आकर के हम लोग को राशन पानी सब दे रहे हैं।